यूपी के कासगंज जनपद में बीती रात सखावर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की एक अपराधी के बीच फायरिंग हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लग गई। घायल अपराधी को पुलिस द्वारा कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की गोली से घायल अपराधी धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में फरार चल रहा था। दरअसल सहावर पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम की मुठभेड़ की घटना सहावर थाना क्षेत्र के गांव बोंदर म्यासुर रोड पर उस वक्त हुई जब पुलिस किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रही थी। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति रोड पर आता दिखाई दिया। पुलिस की टॉर्च देखकर आरोपी ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। वहीं पुलिस ने अपना बचाव करते हुए अपराधी को गोली मारी थी। ये गोली अपराधी के दाहिने पैर में लगने से जमीन पर गिर गया। घायल अपराधी ने अपना नाम 19 वर्षीय अवनीश पुत्र विजेंद्र के रूप में शिनाख्त हुई है। अवनीश 376 और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में फरार चल रहा था। पुलिस ने अपराधी के पास से एक तमंचा, 4 खाली खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस के अलावा 350 रुपये की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने घायल हुए अपराधी को कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आज दिनांक 9/10 अक्टूबर की रात्रि में थानाध्यक्ष सहावर और एसओजी प्रभारी की टीम को एक सूचना मिली कि इनके सहावर क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट है। इस सूचना पर अलादीनपुर पुलिया के पास इन लोगों के द्वारा चेकिंग लगाई गई। रात्रि में ही एक संदिग्ध व्यक्ति जब आता हुआ दिखाई दिया, इनके द्वारा टॉर्च जलाकर उससे रोक कर पूछताछ करने का प्रयास जब किया गया, तत्काल ही उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा हमारे जो पुलिस टीम है उनके द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इस संदिग्ध व्यक्ति को गोली लगी हुई है। नज़दीक जाकर उसके बारे में पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अवनीश पुत्र विजेंद्र, निवासी थाना क्षेत्र सुनगढ़ी बताया। और जानकारी करने के बाद जब पता लगा कि यह थाना क्षेत्र सुनगढ़ी से वांछित अभियुक्त भी है। इसके तक कब्जे से 1 अदद तमंचा, 4 खोखा कारतूस और 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही इसकी जेब से 350 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को बुला करके भौतिक साक्ष्य एकत्र कराए जा रहे हैं। अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी की जा रही है। इसके अलावा अभी जो ये संदिग्ध व्यक्ति है इसको वास्ते प्रॉपर ट्रीटमेंट जिला अस्पताल भेजा गया है। अन्य जानकारियां हासिल करी जा रही हैं जिससे